टॉप 4 बेस्ट रेडमी गेमिंग एंड कैमरा स्मार्टफोन अंडर 15,000। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। अगर आपका बजट 15,000 है एंड इस बजट में आप कोई सा भी रेडमी का स्मार्टफोन लेना चाहते हो जिसमें कि आपको गेमिंग परफॉर्मेंस तगड़ा मिले एंड कैमरा परफॉर्मेंस तगड़ा मिले, देन आप सही वीडियो पर आए हो। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 4 बेस्ट रेडमी स्मार्टफोन अंडर 15,000। सभी स्मार्टफोन में आपको कैमरा गेमिंग तो अच्छा मिलेगा एंड इसके साथ ही बाकी फीचर्स भी आपको अच्छे अच्छे देखने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम, और आप बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो। कई इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 4th नंबर में रैंक करता है वो रेडमी की तरफ से रेडमी 13C 5G। अगर आपको 10 से 12,000 के अंदर एक बेस्ट रेडमी का स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.74 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 98 की रिफ्रेश रेट के साथ, और 600 Hz का पीक ब्राइटनेस भी। 3.5 mm का हेडफोन जैक है, फोन को लगाने के लिए साइड और लॉक है। 8.09 mm का थिकनेस है, 192 ग्राम वेट है, और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक सेंट्रल फंडिंग के साथ आता है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको प्राइस कोडिंग अच्छा मिल जाता है। 5000 mAh का बैटरी दिया एंड इसको चार्ज करने के लिए 18W का इनबॉक्स चार्जर भी। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+ का 5G चिपसेट। ओवरऑल आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 MP प्लस ए लेंस का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसको फ्रंट में लगा है 5 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक वाले कैमरे से आपको अच्छे क्वालिटी का फोटोज़ मिल जाएगा एंड फ्रंट वाले कैमरे से आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाएगा। इससे आप फुल HD में 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 4128 का जो प्राइस है 10,499 रुपये, यानी कि 10,500 रुपये, 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा सा और तरफ बात कर लेते हैं 3rd नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 3rd नंबर में रैंक करता है वो रेडमी की तरफ से रेडमी 12 5G। अगर आपको एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.79 इंच का फुल HD+ डॉट डिस्प्ले देखने को मिलता है 98 के रिफ्रेश रेट के साथ, और 550 Nits का पीक ब्राइटनेस भी है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा मिल जाता है। IP53 का सर्टिफिकेशन है। 3.5 mm का हेडफोन जैक है, फोन कॉल करने के लिए साइड अनलॉक है। 8.1 mm का थिकनेस है, 198 ग्राम वेट है। ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आते हैं। ऐसे इसमें आपको 2 ईयर्स तक एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे एंड 4 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000 mAh का बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 18W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का 5G चिपसेट, जो कि 4nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ओवरऑल आप मीडियम सेटिंग पे अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। प्राइस के अकॉर्डिंग गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 MP+ 2 MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 8 MP का सेल्फी कैमरा। कैसे इससे आप 1080p 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा आपको अच्छा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 4128 का प्राइसिंग 11,999 रुपये, यानी कि 12,000 रुपये, 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। बड़ा थोड़ा सा और बड़ा तरफ बात कर लेते हैं 2nd नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 2nd नंबर में रैंक करता है वो रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 12 5G। अगर आपको रेडमी का बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो आप ये स्मार्टफोन बाय कर सकते हो। ये स्मार्टफोन थोड़ा पुराना है, बट इसमें जो फीचर्स है वो काफ़ी तगड़े तगड़े देखने को मिल जाते हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 1200 Nits का पीक ब्राइटनेस भी। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले अच्छा मिल जाता है। फोन को लॉक करने के लिए साइड और लॉक है। 3.5 mm का हेडफोन जैक है। 7.98 mm का थिकनेस है। 188 ग्राम वेट है, और ये जो स्मार्टफोन ऑटोडॉक एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 5000 mAh का बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। इसमें लगा स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का 5G चिपसेट। ओवरऑल आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसके बैक में 48 MP+ 8 MP+ 2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फोन में लगा 13 MP का सेल्फी कैमरा। कैसे इसे आप 1080p 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 4128 का प्राइस 13,999 रुपये, यानी कि 14,000 रुपये, 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। बड़े थोड़ा सारा और तरफ बात कर लेते हैं 1st नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 1st नंबर में रैंक करता है वो रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 13 5G। अगर आपको एक बेस्ट रेडमी का स्मार्टफोन चाहिए अंडर 14 से 15,000, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग आपको सभी फीचर्स अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 1000 Nits का पीक ब्राइटनेस भी। 3.5 mm का हेडफोन जैक है, फोन कॉल करने के लिए साइड अनलॉक है।
7.6 mm का थिकनेस है, 173 ग्राम वेट है। ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है एंड IP54 का सर्टिफिकेशन भी है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको अच्छा मिल जाता है, 5000 mAh का बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 33 वाट के इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा MediaTek Dimensity 6080 का 5G चिपसेट जो कि 6 नैनो आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग गेमिंग आपको अच्छा मिल जाता है, इससे आप मीडियम सेटिंग पर अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। यहाँ पर आपको इसके बैक में 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ऐसे से आप 10x30fps रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 628 का प्राइस 15,990 रुपये यानी कि 16,000 रुपये 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको एक बेस्ट रेडमी स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो ये थे इस टाइम के टॉप 4 बेस्ट रेडमी गेमिंग एंड कैमरा स्मार्टफोन अंडर 15,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किस बात का इंतजार करो, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।